हाय दिस इज निकिता वैद्य आनंद वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन ऑन ईवीए जैसे हमने बोला हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे ईवीए के क्वेश्चन के लिए सो ही हेज वन मोर क्वेश्चन उसेंड है हिस्टोरिकल कास्ट डेप्रीसी चार्ज किया हुआ है उस पे ट्वेंटी टू थाउजेंड का ठीक है तो हिस्टोरिकल कास्ट डेप्रीसी को एड बैक कर देंगे एंड इंक्रीजिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाई एट थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड डाउटफुल डेट का प्रोविजन हमने इंक्रीज किया एट से 12,000 पे ठीक है तो ये क्या हुआ ओवर प्रोडेंस हो गया प्रोविजन बढ़ाना तो इंक्रीज इन ओवर इंक्रीज इन प्रोविजन को भी हम बैक कर देंगे प्रॉफिट में इफ द नॉन करेंट एसेट कॉस्ट में चार्ज हैं, तो डेप्रिसिएशन होता फोर्टी वन थाउजेंड सो एड बैक ट्वेंटी क्योंकि हमको इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस करना है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन है वो टैक्सेशन इज पेड एट द रेट थर्टी परसेंट ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओके नाउ द नेट बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट सेंटर्स नेट एसेट इज फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एस्टिटेड टू बी सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड नेट बुक वैल्यू है फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड नेट बुक वैल्यू क्या है फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे नॉन करंट एसेट्स की सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड क्योंकि हमको क्या लेनी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेनी है द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज फोर्टीन परसेंट बट इट हैज़ अ लार्ज बैंक लोन विच इनकर्स एनुअल इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ टेन परसेंट देखिए डब्ल्यू एस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है रिस्क वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फोर्टीन परसेंट और बैंक लोन पे चार्ज है टेन परसेंट यानि डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो टेन परसेंट है लेकिन बाकी हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कितना अमाउंट है क्या है तो हम इंटरेस्ट को भी टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं निकाल सकते और हमको जब पूरे कंपनी की फोर्टीन परसेंट दी हुई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमको डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं है ओके okay? नाउ कैलकुलेट द ईवीए फॉर द इन्वेस्टमेंट सेंटर हमको क्या निकालना है ईवीए निकालना है ईवीए so, का फॉर्मूला पहले हम देखेंगे ईवीए इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज नोपेट माइनस डब्ल्यू एस सी सी इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड राइट इसको हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर वन में इसको हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर टू में सो वर्किंग नोट नंबर वन एंड टू वर्किंग नोट नंबर वन नंबर टू ये क्या है इकोनॉमिक प्रॉफिट ये क्या है इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड राइट दोनों एक साथ निकालेंगे क्योंकि कोई भी एक चीज का हम दोनों पे एक साथ इफेक्ट देख लेंगे नाउ Particulars, मैं सब क्यों लिखती हूँ अच्छे से ताकि एग्जाम में भी आप अच्छे से लिखें ये सब चीजें ऐसा नहीं कि सीधे स्टार्ट कर दिया वर्किंग नोट लिखा और प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने की इच्छा होती है राइट right? प्रॉफिट के लिए अब सबसे पहले हम लेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड लैक्स में नहीं है फिगर ठीक है अमाउंट इन रूपी अकाउंटिंग प्रॉफिट वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमको जाना है नोपेट पे ठीक है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट ठीक है अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया अब इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बैक कर देंगे प्लस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्योंकि डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को बैक करना है उसमें से ऑलरेडी वो माइनस था और फिर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को माइनस करना है हमको ट्रू वैल्यू चाहिए प्रॉफिट का कितना है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन डेट इज फोर्टी वन थाउजेंड फाइन फोर्टी वन थाउजेंड फिर क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ एट थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड मतलब कितना इंक्रीज हुआ प्लस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डाउटफुल डेट के प्रोविजन में इंक्रीज हुआ आठ से बारह हजार एड बैक कर देंगे ओवर प्रूडेंस हो रहा है चार हजार बैक कर देंगे ठीक है अभी हम क्या लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है नेटबुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर नेट एसेट्स इज फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड तो नेट एसेट्स क्या लेंगे मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो क्या लेंगे सिक्स लैक्स सिक्सटी थाउजेंड किस पे लेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेंगे ठीक है क्योंकि हमको इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड लाना है ट्रू वैल्यू लानी है कैपिटल एम्प्लॉयड की तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे ठीक है नेटबुक वैल्यू या हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लेंगे अभी हमने ये लिख लिया फिर क्या आएगा डेप्रिसिएशन का हो गया इसमें एडजस्टमेंट यहां पे नॉन करेंट एसेट आ गया प्रोविजन का इंक्रीज इन प्रोविजन यहाँ लिखा फोर थाउजेंड लेकिन यहां पे एड बैक कर देंगे पूरा का पूरा प्रोविजन एंड में प्रोविजन कितना है आठ से बारह हजार हुआ तो यहाँ पे पूरा बारह हजार एड कर देंगे अब आगे क्या लिखा है रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी उस कंपनी का डब्ल्यू तो 14% परसेंट है 10% परसेंट लिखा है इंटरेस्ट हम क्या है नोपेट में आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट ठीक है तो हम इसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट दे सकते थे अगर इंटरेस्ट पता होता इंटरेस्ट पता होता तो टैक्स भी दिया हुआ है टैक्स का इफेक्ट देते हैं इंटरेस्ट पे और फिर एड बैक करते लेकिन इसको हम और बाद में देखेंगे मैंने पहले भी बोला था इंटरेस्ट पे टैक्स का इफेक्ट बाद में देखेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में टैक्स नहीं था अब टैक्स है इंटरेस्ट नहीं है ठीक है तो उसको इंटरेस्ट पे टैक्स के इफेक्ट को करके कैसे ऐड करना है वो बाद में देखेंगे ठीक है अब ये क्या हुआ अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये सब प्लस माइनस हो गया और टैक्स दिया है ठीक है तो टैक्स माइनस कर देंगे थर्टी परसेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइन? माइनस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना आया पहले हम निकालेंगे फिर टैक्स माइनस करेंगे यहाँ पे निकालेंगे सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड सो सिक्स लैख सेवेंटी टू थाउजेंड ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे क्या हुआ अकाउंटिंग प्रॉफिट वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस ट्वेंटी टू थाउजेंड माइनस फोर्टी वन थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड तो क्या आया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आ गया टैक्स एट द रेट थर्टी परसेंट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट टैक्स हो गया थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है माइनस करेंगे सॉरी कितना आ गया एटी फोर थाउजेंड आ गया ठीक है अभी इसमें हमने टैक्स का इफेक्ट ले लिया मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन बिफोर इंटरेस्ट हम इसको एज्यूम करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हम इंटरेस्ट पे टैक्स का इफेक्ट लेते हैं टैक्स की इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंटरेस्ट की नहीं है इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे और टेन जो है कॉस्ट ऑफ डेट है उसको यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पूरी कंपनी का ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है राइट right? तो हम कॉस्ट ऑफ डेट यूज नहीं करेंगे इंटरेस्ट नहीं दिया है इसलिए इंटरेस्ट पे टैक्स का इफेक्ट लेके हम कुछ भी उस पर इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं दे सकते राइट सो इकोनॉमिक प्रॉफिट एटी फोर थाउजेंड आ गया इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड सिक्स सेवेंटी टू थाउजेंड आ गया अब यहां एट्टी फोर थाउजेंड माइनस फोर्टीन परसेंट इंटू सिक्स लैक्स सेवेंटी कितना लिखा है टू थाउजेंड ठीक है सिक्स नेगेटिव रुपीज़ टेन थाउजेंड एटी नेगेटिव ई वी आया मतलब ई वी जो है नेगेटिव है फेवरेबल नहीं है परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा नहीं है ओके okay? सो दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑन ईवीए जहां पे ईवीए नेगेटिव आया ईवीए नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है एक्सेप्टेबल नहीं है मीन्स अच्छा नहीं है ईवीए हमेशा पॉजिटिव ही बेटर होता है दिस वॉज अ क्वेश्चन जहां हमने प्रोविजन देखा जहां हमने डेप्रिसिएशन देखा कि कैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं इकोनॉमिक माइनस करते हैं ठीक है कैसे हम प्रोविजन के इंक्रीज को प्रॉफिट पे ऐड करते हैं और जो लास्ट प्रोविजन की फिगर आती है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करते हैं और इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है इसलिए इंटरेस्ट का का हम कोई भी इफेक्ट नहीं ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट और टैक्स का हम इफेक्ट लेंगे जैसे जैसे एडवांस होंगे क्वेश्चन सो दिस वॉज ऑल अबाउट ए क्वेश्चन ऑन ईवीए इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू एस बाय